जी चौहान, आप देख रहे हैं ओनली न्यूज नेशन। भारत और चीन का तनाव अब परमाणु बम जैसे चीजों पर जाकर पहुंच गया है। बहुत दिन से एक सवाल उठ रहा था, क्या भारत और चीन के बीच में जंग होगी, और जंग होगी तो क्या विनाशक जंग होगी। अब उन सवालों का जवाब भारत की इन तैयारियों से मिल गया है। भारत ने पूरे चीन को अपने परमाणु बम के लपेटे में ले लिया है। आखिर इतना बड़ा एक्शन लेने की जरूरत क्या पड़ी भारत को? भारत ने आखिर परमाणु बम को चीन की तरफ क्यों मोड़ा है? कई सारे सवाल हैं, दुनिया में हड़कंप मच गया है। अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन जैसे देशों में भगदड़ मच गई है कि आखिर मोदी सरकार करने क्या जा रही है। मोदी सरकार ने आखिर चीन को बर्बाद करने की मंशा क्यों बना ली है? पूरी एक्सक्लूसिव खबर मैं आपको दिखाऊंगा। अनुरोध करता हूं इस खबर को आप आज अधिक से अधिक शेयर करेंगे, क्योंकि आज की खबर शेयर करना आपके लिए बहुत जरूरी है। कमेंट बॉक्स में जय हिंद पहले लिखिए, उसके बाद पूरी खबर मैं आपको दिखाता हूं। पहले जय हिंद लिखिए, मैं थोड़ा सा समय लेता हूं आपको, जय हिंद लिखिए। चलिए मैं बताता हूं आपको कि क्या हुआ है, कैसे भारत ने इतना बड़ा कदम उठाया है। चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच भारत ने अपने परमाणु सुरक्षा रणनीति में बड़ा फेरबदल कर दिया है। एक अमेरिकी थिंक टैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने अपने परमाणु बमों के विकास और उसके रोकथाम की रणनीति को पाकिस्तान से हटाकर चीन पर फोकस कर लिया है। चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच भारत ने अपने परमाणु सुरक्षा रणनीति में बड़ा फेरबदल किया। अब चीन की राजधानी, बता दें आपको कि अब चीन की राजधानी पेंचिंग भी भारतीय परमाणु मिसाइलों के जद में आ गया है। इसके अलावा भी भारत कम से कम 3 ऐसे हथियारों का निर्माण कर रहा है जो उसे चीन के खिलाफ बड़ी ताकत प्रदान करेंगे। दरअसल भारत का पाकिस्तान को छोड़कर चीन पर ध्यान। बुलेटिन ऑफ एटॉमिक साइंटिस्ट में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार 2017 डोकलाम स्टैंड ऑफ के बाद भारत ने अपने परमाणु रणनीति का ध्यान पाकिस्तान से हटाकर पेंचिंग पर केंद्रित कर दिया है। भारत पहले पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम के अनुसार अपनी सुरक्षा के लिए कदम उठाता था। प्लूटोनियम संवर्धन का भी किया गया दावा। इस रिपोर्ट को हैंस एयर क्रिस्टेंस ऑफ मेंट कोर्डो ने लिखा है, जिसमें से क्रिस्टेंस न्यूक्लियर इंफॉर्मेशन प्रोजेक्ट के डायरेक्टर हैं, जबकि कोर्डी इसी संस्थान में रिसर्च एसोसिएट के रूप में काम करते हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत ने 150 से 200 परमाणु बमों को बनाने में प्रयोग किए जाने वाले प्लूटोनियम का संवर्धन कर रखा है। हालांकि भारत के पास वर्तमान में 150 से कम परमाणु बमों का जखीरा है। जल थल नभ में परमाणु हमला कर सकता है भारत। बता दें आपको रिपोर्ट के अनुसार भारत वर्तमान में जमीन, हवा, पानी से हमला करने में सक्षम है। जो देश इन तीनों माध्यमों के जरिए परमाणु हमला करने में सक्षम होते हैं उन्हें न्यूक्लियर ट्रायड संपन्न देश कहा जाता है। भारत तेजी से परमाणु वारहेड ले जाने में सक्षम कई अन्य मिसाइलों का निर्माण भी कर रहा है, जिसमें से कई हथियार अपने अंतिम स्टेज में पहुंच गए हैं। इसमें जमीन से दागे जाने वाले अग्नि 5 मिसाइल और पनडुब्बियों से फायर की जाने वाली K5 मिसाइल भी शामिल है। भारत के परमाणु ट्रायड में शामिल है 8 हथियार। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि भारत के पास 8 हथियार ऐसे हैं जिसमें कभी भी परमाणु हमला किया जा सकता है। इनमें से हवा से हमला करने वाले 2 हथियार, जबकि जमीन से हमला करने वाले 4 बैलिस्टिक मिसाइल प्रणाली में 2 समुद्र आधारित बैलिस्टिक प्रणाली शामिल है। इसके अलावा कम से कम 3 हथियार विकासशील प्रक्रिया में है। आपको बता दें हवा में भी परमाणु हमला कर सकता है भारत। भारत इतना सक्षम हो गया है कि अब हवा में भी परमाणु हमला कर सकता है। भारत के पास हवा से परमाणु हमला करने में सक्षम विमानों में मिराज 2000H और जगुआर IS एयरक्राफ्ट शामिल है। इसके अलावा इस महीने के अंत में शामिल होने वाले राफेल लड़ाकू विमान भी परमाणु मिसाइलों को दागने में सक्षम है। भारत मिराज 2000H विमान को अपग्रेड कर रहा है, जिसके बाद मिराज 2000I से जाना जाएगा। जमीन से ये मिसाइल ले जा सकती है परमाणु हथियार। भारत के पास अंतर महाद्वीपीय मिसाइल अग्नि 5 है, जो 5000 किलोमीटर दूर तक हमला करने में सक्षम है। यह मिसाइल अपने साथ परमाणु बमों को ले जाने में सक्षम है, जिसमें से यह चीन के कई हिस्सों में निशाना लगाया जा सकता है। इसके अलावा अग्नि 6
मिसाइल के विकास की प्रक्रिया भी जारी है, जो इससे भी ज्यादा रेंज तक परमाणु हमला करने में सक्षम होगी। पानी से परमाणु हमला करने की ताकत भी कम नहीं है। भारत के पास समुद्र से भी बैलिस्टिक मिसाइलों के जरिए परमाणु हमला करने की ताकत है, जिसमें सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल SLBM K-4 शामिल है। इसके अलावा K-5 मिसाइल को भी विकसित किया जा चुका है। K-4 मिसाइल 35 किलोमीटर तक मारक करने में क्षमता रखता है। इस मिसाइल को अब तक 6 बार टेस्ट किया जा चुका है। तो भारत जल, थल और नभ तीनों क्षेत्रों में परमाणु हमला करने में सक्षम है। अब भारत ने अपना टारगेट पाकिस्तान से घुमाकर चीन की तरफ कर दिया है, पूरे चीन को अपने मिसाइल के रेंज में ले लिया है, अपने परमाणु के रेंज में ले लिया है। अब पाकिस्तान की तरफ से भारत का ध्यान हट चुका है। पाकिस्तान को बर्बाद करने के लिए हमें परमाणु बमों की जरूरत नहीं है, उसके लिए तुम्हारे सेना के जवान ही काफी हैं, उसके लिए तुम्हारे सेना के हुंकार ही काफी। अगर हमारे भारतीय सैनिकों ने एक बार दहाड़ दिया तो पाकिस्तान तो वैसे भी सरेंडर हो जाएगा, लेकिन चीन से हमें जंग लड़ने के लिए खतरनाक मिसाइलों को चीन की तरफ मोड़ना होगा, ताकि अगर चीन चाहे भी तो भारत पर हमला ना करे। क्योंकि अगर वो चाहे सोचेगा कि हम भारत पर हमला करेंगे तो भारत भी अगर पलटवार करता है तो चीन में तो तबाही आना लाजमी है, और कोई भी देश नहीं चाहेगा कि जंग अगर लड़ी जाए तो जंग में उसका भी नुकसान हो। सबसे ज़्यादा जंग अगर किसी ने लड़ी है तो वो लड़ा है अमेरिका, और अमेरिका ने जब भी जंग लड़ी है तो कभी भी अपने ज़मीन से उसने जंग नहीं लड़ी, हमेशा से दूसरे की ज़मीन का प्रयोग किया और दूसरे की ज़मीन से प्रयोग कर उसने किसी देश से जंग लड़ा है। ऐसे में अमेरिका के देश में तबाही नहीं होती, जिस देश की ज़मीन का प्रयोग करता है उस देश में तबाही मचती है। लेकिन अगर चीन और भारत के बीच में जंग होती है तो दोनों पड़ोसी देश हैं, दोनों पड़ोसी देश किसी और की ज़मीन का इस्तेमाल कर ही नहीं सकते हैं, आमने सामने की लड़ाई होगी और आमने सामने की लड़ाई में कहीं ना कहीं नुकसान दोनों देशों को होगा। और जब ऐसे में जब दोनों देश महाशक्ति हैं, दोनों देश परमाणु संपन्न हैं, दोनों देशों के पास अत्याधुनिक और ख़तरनाक विध्वंसक मिसाइलें भी हैं, दोनों देशों के पास दुनिया की सबसे बड़ी सेना भी है, तो ऐसे में तबाही तो लाजमी है, तबाही तो होना ही है। अब ऐसे में चीन नहीं चाहेगा कि कोरोना से ऐसे ही चीन तबाह हुआ है उसके बाद जंग लड़े और जंग से और भी तबाही मचे, इसलिए चीन जाकर भी जंग नहीं लड़ सकता है। दूसरी बात आपको बता दें कि अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन जैसे देश इस समय भारत के साथ आकर खड़े हो, माफ कीजिएगा, भारत के साथ आकर खड़े हो गए हैं, दोनों देश खड़े हैं, तो चीन वैसे भी जंग लड़ने में असक्षम है, क्योंकि एक साथ कई महाशक्तियों का सामना करने की उसकी हिम्मत नहीं है। अगर सामना करने के सोचेगा भी तो बर्बादी उसके चौखट पर मुंह बाए खड़ी होगी। मैं अनुरोध करता हूं कि आप अपनी राय जरूर दें, भारत की ताकत को पहचानिए आप और अपनी राय दीजिए, ताकि दुनिया देखे कि आज हिंदुस्तानी भी भारतीय सेना के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़े हैं। वीडियो खत्म करते हैं, जय हिंद। ओनली न्यूज ग्रुप में आप सभी का, ये जो हम एक कंपेनिंग लेकर आए हैं, इस कंपेनिंग में इस 5 अगस्त को हम सब मनाएंगे दिवाली, क्योंकि जिस प्रकार से भगवान राम को जो हमारे पूरे 130 करोड़ देशवासियों के इष्ट देवता है, जी हाँ साहब, 130 करोड़ देशवासियों में हमें पता है 110 करोड़ हिंदू है, लेकिन सबके इष्ट देव भगवान श्री राम है, ये चाहे कोई माने या ना माने, 110 करोड़ तो मानते हैं। तो इस 5 अगस्त को भगवान राम के जन्मभूमि पर, वहां पर होगा शिलान्यास और प्रधानमंत्री मंदिर का शिलान्यास और प्रधानमंत्री मोदी उसका शिलान्यास करेंगे। तो इस 5 अगस्त को हम सबको मनानी है दिवाली। जी हाँ, आपकी बार भगवान राम का आगमन उनके रियल लाइफ में तो 14 वर्ष में हुआ था, लेकिन सैकड़ों सदियों लग गई और भगवान राम वापस आ रहे हैं इस 5 अगस्त को अपने घर वापस अयोध्या। तो आप सबसे निवेदन है, अब की बार आप 5 अगस्त को हर घर में दिवाली मनाएंगे, हर घर में पटाखे फूटेंगे और हर घर में दीपक जलेंगे, लड़ियां सजा दीजिए, पूरे देश को सजा दीजिए, घर को सजाइए। हम आपसे आग्रह करते हैं, अनुरोध करते हैं कि इस
5 अगस्त को हर घर में दिवाली मननी चाहिए। इस वीडियो को हर फोन तक पहुंचा दीजिए, शेयर करिए और 5 अगस्त को भव्य सेलिब्रेशन हर घर में होना चाहिए। 110 करोड़ हिंदुओं के आस्था के जो प्रतीक है भगवान श्री राम, 130 करोड़ देशवासियों में हर कोई का कहीं ना कहीं जो उनका आज अस्तित्व है भगवान श्री राम के नाम की वजह से है, चाहे वो किसी जाति धर्म से हो। तो चलिए आप इस वीडियो को शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।